एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं आपको बकरम और पेपर पेस्टिंग का यूज़ करके ये पो बनाना बताऊंगी। सो बकरम या पेपर पेस्टिंग का यूज़ करने से पो देखिए कितने अच्छे तरीके से बना है हमारा यहाँ पे। अगर इसे आप धोते भी हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिया हुआ है। इसे मैंने लेंथ यहाँ पे 5 इंचज़ की रखी हुई है और विथ यहाँ पे हमने 8 इंचज़ की रखी हुई है। और साथ ही यहाँ पे मैंने ये बकरम भी लिया हुआ है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसी के अकॉर्डिंग ये पेपर पेस्टिंग और या बकरम भी बोल सकते हैं आप, इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंचज़ पे मार्क कर लिया है और इसे भी हम इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम 2 फोल्ड कर लेते हैं और हमें नीचे की साइड से ऊपर लगभग 1 इंचज़ तक इस तरह से तिरछा कट करना होगा। आप चाहे तो 1 इंचज़ ऊपर मार्क कर ले और फिर इस तरह से कट करें। सो इसके बाद हमें अपने फैब्रिक को एक हिस्सा लेना है और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से अच्छे से। तो देखिए, आयरन की हेल्प से हमने इस पर पेस्ट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को दूसरे साइड को हम इस तरह से इस पर बैठाएंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग और बकरम को यहाँ पे हमने सेट किया है उसी के एकदम साइड पे हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सो नीचे की साइड पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रखना है ताकि हम इसे बाद में सीधा कर सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ से स्टार्ट कर रही हूँ और एंड में हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे। तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। तो बस अब हम यहीं तक सिलाई करेंगे। बीच में देखिए हमने जो मार्जिन रखा है यहाँ से हम कपड़े को अपने सीधा कर लेंगे और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे वो हम कट कर लेते हैं। चलिए, सो इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसे इस तरह से अंदर की साइड से इसे सीधा करेंगे अच्छे से। और कोन को निकालने के लिए आप कोई भी नोकीली चीज़ का यूज़ करके इसे कोन को सारे कोन को अच्छे से निकाल लें। सो एक बार जब हमारा कोन अच्छे से निकल जाएगा तो नीचे की साइड जो हमने मार्जिन रखा था उसे भी हम अंदर की ओर मोड़ करके पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे और जो मार्जिन रखा था वहाँ पे हमने कपड़े को अंदर करते हुए उसे भी अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब धागे को हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे, कहीं पे भी धागा नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे कट किया है और कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे इसे सेट करने के लिए इस तरह से हम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से खोलेंगे और इस तरह से हम इसमें चुनट्टे बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे सेंटर में एक पतली सी स्ट्रिप्स लगा के इसे सिलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक पतली सी स्ट्रिप्स तैयार करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप्स पतली वाली तैयार की हुई है सिल करके और इससे हम यहाँ पे सेंटर में इस तरह से लगाएंगे और पीछे की साइड जो हमारा कपड़ा है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे और हमारा जो ये वाला स्टेप से इसे हम उल्टे साइड पे पलट लेंगे ताकि ये जो सिलाई है वो अंदर की ओर चला जाए। सो इस तरह से हमारा जो ये बो है वो बन के रेडी हो गया है और आप इसे अगर धो भी दे तो भी ऐसे ही रहेगा।
नॉर्मली जब हम कपड़े से बनाते हैं वो, तो वो क्या होता है धोने के बाद हमारा सॉफ्ट हो जाता है, बट ये ऐसे ही रहेगा। आप इसे हेयर बैंड में भी यूज़ कर सकते हो, हेयर क्लिप में भी यूज़ कर सकते हो और किसी भी ड्रेस में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।